हेलो एंड वेलकम साइबान कदरदान मेहरबान टेगरू में आपका स्वागत है। एक बहुत ही स्पेशल शो लेके आए हैं मैं अंकित और अभिषेक। और आज का शो खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि आज जो हम गैजेट रिव्यू करने वाले हैं वो सब जनता जनार्दन के लिए होने वाले हैं। दो ऐसे गैजेट्स जो भयानक एंटिसिपेशन इनके बारे में रह चुका है। सबसे पहले एक ऐसा स्मार्टफोन 15,000 में, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग वैल्यू फॉर मनी पैकेज एटलीस्ट ऑन पेपर दिख रहा है। द माइक्रोमैक्स कैनवस एचडी A116 का रिव्यू होगा सिर्फ टेक गुरु पर। लॉन्च होते बराबर 9,000 हैंडसेट बिक गए अंकित कैनवस एचडी के। और दूसरा गैजेट जो रहने वाला है वो है आकाश 2, दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट कंप्यूटर द्वितीय। ओके, लेकिन इसके पहले फटाफट क्विकली आपको बता देते हैं इस हफ्ते सम ऑफ द हॉटेस्ट एंड हैपनिंग टेक न्यूज। अभिषेक पिछले हफ्ते दिल्ली गया था, आपको याद होगा वैलेंटाइंस डे मैंने दिल्ली में बताया था सैमसंग के नए फीचर फोन्स लॉन्च हुए हैं जिन्हें सैमसंग स्मार्ट फीचर फोन्स ऐसा कुछ बोल रहा है। रेक्स 60, 70, 80, 90। रेक्स से मेरे दिमाग में आता है टी रेक्स डायनासोर। ओके, और जो फीचर्स है रेक्स के देख के वेरी सॉरी टू से थोड़ा लगता है डायनासोर की तरह एक्सटिंक्ट हो जाएगा ये फीचर फोन सीरीज। सैमसंग के हिसाब से तो नोकिया आशा को कम्पीट करने वाला है तो आशा जी यहाँ पे ज्यादा आशा ताई की क्या बात करें। मूविंग ऑन फ्रॉम सैमसंग रेक्स टू दैट टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप डिवाइसेस। रूमर हैज इट, ऑब्वियसली अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन 14 मार्च को हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी S4 न्यूयॉर्क में सैमसंग लॉन्च कर सकता है। रूमर की बात मत करो अंकित क्योंकि 25 फरवरी को ब्लैकबेरी Z10 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब कीमत के ऊपर तो अभी पता नहीं है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ब्लैकबेरी कीमत उसकी अच्छी रखेगा ताकि ब्लैकबेरी एक बार फिर से मार्केट में वापस आ सके। और एक और चीज खरीद सकते हैं एप्पल की, वो है एप्पल टीवी जो कि अभी उसकी वेबसाइट पर नजर आ रहा है सिर्फ 8,000 रुपए में। वो सिर्फ आपको शायद लग रहा होगा एप्पल डिवाइस के लिए, लेकिन यार एक छोटा सा डब्बा है, नॉट वो वाला एप्पल टीवी जो स्टीव जॉब्स के ऑटोबायोग्राफी में लिखा था, छोटा सा डब्बा मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए, आईट्यून्स स्टोर से मूवीज डाउनलोड या स्ट्रीमिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका फुल ब्लोन रिव्यू अगले हफ्ते होगा टेक ग्रुप पर। ओके, इनफ ऑफ टेक न्यूज। HTC M7 की बात रह गई। HTC One। HTC M7 अल्ट्रा मेगापिक्सल। One। ठीक है One। The One। Matrix के नियो की तरह The One। HTC की One सीरीज का फ्लैगशिप डिवाइस HTC One इसी हफ्ते लॉन्च हुआ। आइए देखते हैं इसके कुछ कूल फीचर्स। पेश है HTC One। इस स्मार्टफोन में ढेरों मजेदार फीचर्स हैं जो इसे एप्पल आईफोन सैमसंग गैलेक्सी S3 जैसे स्मार्टफोन्स की लीग में खड़ा करते हैं। HTC One एंड्रॉइड के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जेली बीन और HTC सेंस 5 UI की कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसमें HTC ने ब्लिंक फीड नाम का एक नया फीचर दिया है जो दरअसल होम स्क्रीन है जो काफी कुछ विंडोज 8 के लाइव टाइल्स और फ्लिप बोर्ड के मिक्सचर जैसी लगती है। HTC One अभी बाजार में मौजूद उन चुनिंदा फोन्स में से है जो फुल HD डिस्प्ले के साथ आते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 1.7 GHz का स्नैपड्रैगन 600 क्वाड कोर प्रोसेसर और 2GB रैम का साथ दिया गया है। पर इसका सबसे दमदार फीचर है इसका 4 मेगापिक्सल अल्ट्रा पिक्सल कैमरा। HTC के मुताबिक वन के अल्ट्रा पिक्सल कैमरा में मेगापिक्सल काउंट के बजाय इमेज क्वालिटी पर जोर दिया गया है। ऑन पेपर इसमें 4 मेगापिक्सल कैमरा ही है, बट इफ वी गेट डीप इनसाइड तो इसका 4 मेगापिक्सल कैमरा किसी 12 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन से भी बेहतर है। HTC One के भारत में आने वाले कुछ महीनों में लॉन्च होने की उम्मीद है। अगर फ्लैगशिप डिवाइसेस की बात हो रही है, अब बात करते हैं माइक्रोमैक्स के फ्लैगशिप डिवाइस जो है कैनवस। और माइक्रोमैक्स ने कहा था पिछले महीने कि हर एक महीने एक नया कैनवस फोन बाजार में आएगा और इस महीने बारी थी कैनवस HD की। 15,000 में एक ऐसा फोन जो हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन की स्क्रीन के साथ आता है क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ। आइए देखते हैं कुछ और कूल फीचर्स माइक्रोमैक्स कैनवस HD के। माइक्रोमैक्स कैनवस सीरीज का ये है नया खिलाड़ी माइक्रोमैक्स कैनवस HD A116। इस स्मार्टफोन की खासियत इसकी 5 इंच की HD स्क्रीन है जो 1280x720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इस बजट रेंज में कैनवस HD एक लौता ऐसा फोन है जो HD IPS डिस्प्ले के साथ आता है जिसकी क्लैरिटी के साथ साथ व्यूइंग एंगल्स भी जबरदस्त है। डिजाइन के मामले में ये डुअल सिम फोन बहुत कुछ HTC One X की याद दिलाता है। माइक्रोमैक्स का ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। कैनवस HD 1.2 GHz के क्वाड कोर प्रोसेसर और 1GB रैम के कॉम्बिनेशन पर चलता है जिसकी मदद से इस पर गेमिंग और मल्टीटास्किंग दोनों आसानी से की जा सकती है।
फोटोग्राफी के लिए इसमें है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो बस्ट मोड के ऑप्शन के साथ आता है। वीडियो कॉलिंग करनी है तो 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। डेटा कनेक्टिविटी के लिए इसमें 3G और वाईफाई दोनों है, तो डेटा शेयरिंग के लिए ब्लूटूथ 4.0 और USB 2.0 जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। स्टोरेज के लिए कैनवस HD 4GB इंटरनल मेमोरी के साथ आता है जिसे 32GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। माइक्रोमैक्स कैनवस HD की कीमत है 13,990 रुपए। अंकित, एक दिन में 9,000 डिवाइसेस माइक्रोमैक्स कैनवस HD के बिक गए। क्या है क्या इस फोन में ऐसा, क्या सच में ये वो करता है या लोगों ने सिर्फ भावनाओं के आवेग में बह गए और खरीद लिए? हाँ, विभोर हो गए हैं बहुत ज्यादा लोग। एक तो यहां पर दो चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। देयर इज नो डाउट ऑन पेपर और हकीकत में कि 14,000 रुपए में जिस किस्म का हार्डवेयर माइक्रोमैक्स ने कैनवस HD में पैकिंग किया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। एंड दूसरी बात, सिर्फ ऑनलाइन क्यों खरीद सकते हैं आप, तो यहां पर मैं आपको समझा दूं कि फरवरी के शुरुआत में 10 से 15 दिन के लिए पूरा चाइना बंद था अभिषेक, क्योंकि जो चाइनीज न्यू ईयर है, जो ईयर ऑफ द स्नेक है, वो चलने के कारण सारी फैक्ट्रियां वहां की बंद थी। अब ये इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि माइक्रोमैक्स के फोन्स दुनिया के तमाम फोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स की तरह चाइना के फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर होते हैं। इस वजह से जो स्टॉक था कैनवस HD का और कैनवस 2 का, ये फैक्ट्रियों से नहीं आ पा रहा था, इसलिए लिमिटेड स्टॉक को सेल करने के लिए ऑनलाइन सेल शुरू कर दिए हैं। इस हफ्ते से या अगले हफ्ते से रिटेल स्टोर्स में मिलना शुरू हो जाएगा। अंकित, मुजफ्फरपुर से विमल पांडे एक सवाल पूछ रहे हैं फेसबुक पर हमसे। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि कैनवस HD जो है उसके स्पेसिफिकेशंस गैलेक्सी S3 से पेपर के मामले में एकदम मैच करते हैं, तो क्या गैलेक्सी S3 खरीदा जाए या कैनवस HD? यू नो, एज टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्लीज आपको ये बता दें कि गैलेक्सी S3 जैसे सैमसंग के फ्लैगशिप डिवाइस को माइक्रोमैक्स के किसी भी फोन के साथ या किसी भी और ऐसे मिड एंड या मिड बजट सेगमेंट के फोन्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक फ्रैंकली कंपेयरिंग अ मर्सिडीज टू अ मारुति यार। अच्छा ठीक है, 21,000 के गैलेक्सी ग्रैंड के साथ रिव्यू कर सकते हैं इसको? इंडियंस को मतलब कंपेरिजन के अलावा गुजारा हो नहीं सकता। फ्रेंकली कहूं तो गैलेक्सी ग्रैंड और कैनवस 2 को जो फर्स्ट फील है, फर्स्ट इंप्रेशन है ना, I don't know. I really like the way the canvas HD feels in the hand. बहुत स्लीक है, लुक्स के मामले में जबरदस्त है। हालांकि गैलेक्सी ग्रैंड हैज इट्स ओन फैन फॉलोइंग, धड़ल्ले से बिक रहा है, बट यहां पर माइक्रोमैक्स की वाहवाही इसलिए करनी पड़ेगी, जिस किस्म का हार्डवेयर इन्होंने पैकिंग किया है प्रोजेक्ट बटर के तहत, जो जेलीबीन सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट एंड्रॉइड का OS वर्जन है, इट इज अ ब्यूटिफुल डिवाइस जो भी ये वादा करता है उन सारी चीजों को बखूबी निभाता है। हाँ, कुछ गेम्स में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस थोड़ा लेट डाउन करेगा, कैमरा परफॉर्मेंस काफी एवरेज है, हालांकि 8 मेगापिक्सल इसमें कैमरा है, रेजोल्यूशन है, लेकिन वन थिंग व्हिच आई वाज थरली इंप्रेस्ड विद वो है इसकी बैटरी लाइफ। जहां पर गैलेक्सी ग्रैंड जैसे डिवाइसेस सिर्फ 6 से 8 घंटे आपको बैटरी लाइफ देते हैं, कैनवस HD के साथ मुझे 15 से 16 घंटे बैटरी लाइफ मिली है, जो आज की तारीख में किसी भी एंड्रॉइड फोन पे नामुमकिन है। क्या फोन का एयरप्लेन मोड में रखा था? नॉट एट ऑल अभिषेक, वो तमाम चीजें की 3G नेटवर्क पे जो मैं नॉर्मल फोन के साथ करता ठीक है। अंकित, माइक्रोमैक्स की काफी वाहवाही कर दी, पर जरा अब जरा थोड़ा नींद से जागने का वक्त है, बिकॉज हमें कई लोगों से कंप्लेंट मिली है जिन्होंने माइक्रोमैक्स का कैनवस 2 फोन खरीदा था, उस फोन की स्क्रीन के साथ काफी इश्यू होने लगे, कहीं पे लाइनें पड़ने लगी उसकी स्क्रीन के ऊपर, और जब कस्टमर केयर पर लोग गए तो वहां पर माइक्रोमैक्स सर्विस सेंटर से क्या उनको रिस्पांस मिला कि आप 5 दिन छोड़कर जाइए और 1 महीना तक लग सकता है, और उसके बाद काफी बैकलॉग पड़ा हुआ है और फिर आपका फोन ठीक होकर आएगा। नाउ माइक्रोमैक्स, हियर्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट, एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड वही होता है जो ना सिर्फ नए कस्टमर्स को अपने दायरे में, अपनी फैमिली में इनवाइट करता है, बल्कि उनका ख्याल रखता है। बिल्कुल, दे मेक श्योर कि वो उन्हें छोड़ के ना जाए एक बुरी आफ्टर टेस्ट के बाद। आप जो कस्टमर केयर के साथ उसके नाम पे जो गंदा मजाक हो रहा है, हम सबको पता है, हालांकि सिर्फ 700-800 सर्विस सेंटर्स हैं, बट जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो क्वालिटी ऑफ कस्टमर केयर है, माइक्रोमैक्स अपने अपने फोन्स में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो गजब की महारत हासिल कर दी है, इट इज टाइम कि आप अपने कस्टमर केयर को एक बहुत ही कोर फोकस एरिया बना के
उस पे काम करें, आपके फोन्स जैसे बिक रहे हैं, यू डोंट वांट कि साल डेढ़ साल में हाइप खत्म हो जाए और फोन्स खरीदना बंद हो जाए. कस्टमर केयर इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल आपके ब्रांड को जिंदा रखने के लिए. डेल अंकल की क्लास में जाने की जरूरत पड़ गई है. एब्सोल्युटली, इट्स टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक. लेकिन जाने से पहले माइक्रोमैक्स कैनवस एचडी A116 को मिलता है थम्स अप. डेफिनेटली पिक. 15,000 रुपए में बेस्ट बजट एंड्रॉइड फोन माइक्रोमैक्स आपने बना दिया है. कांग्रेचुलेशंस. और ब्रेक के बाद आने वाला है आकाश द्वितीय का रिव्यू. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं टेक गुरु अंकित और अभिषेक के साथ. और अब वक्त है दुनिया के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश 2 का रिव्यू करने का. पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि 1150 रुपए में इस टैबलेट कंप्यूटर में क्या क्या फीचर्स आते हैं. यह है यूबी स्लेट 7CI, जिसे आकाश 2 के नाम से भी जाना जाता है. दुनिया का सबसे सस्ता टैबलेट कंप्यूटर, एक ऐसा टैबलेट कंप्यूटर जिसके ऊपर भारतीय सरकार का हाथ है. वो डिवाइस जो देश में पढ़ाई के अंदाज को बदल देगा, देश के स्टूडेंट्स को हाईटेक बनाएगा और भारी होते स्कूल बैग्स का वजन कम करेगा. यूबी स्लेट 7CI और आकाश 2 एक ही गैजेट है. फर्क है तो ये कि आकाश 2 चुनिंदा स्टूडेंट्स को भारतीय सरकार की तरफ से 1150 रुपए में मुहैया किया जाता है. और यूबी स्लेट 7CI आकाश 2 का ही रिटेल नॉन सब्सिडाइज्ड वर्जन है, जिसे ऑनलाइन बुक करके 4000 रुपए में खरीदा जा सकता है. फीचर्स की बात करें तो आकाश 2 में 7 इंच की कैपेसिटिव टच स्क्रीन दी गई है, जो 480x800 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन सपोर्ट करती है. आकाश 2 एंड्रॉइड 4.0 आइसक्रीम सैंडविच वर्जन पर चलता है, जिसे पावर देता है इसमें दिया हुआ 1GHz का कॉर्टेक्स A8 प्रोसेसर और 512MB रैम. मेमोरी की बात करें तो आकाश 2 में 4GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32GB तक बढ़ाया जा सकता है. डेटा कनेक्टिविटी के लिए आकाश 2 में सिर्फ वाईफाई का ही इंतजाम है. अब भारत में कितने फ्री वाईफाई जोन है, इसके बारे में अलग से सर्वे करना पड़ेगा. VoIP कॉल्स करने के लिए इसमें फ्रंट फेसिंग VGA कैमरा भी दिया गया है. फीचर्स तो जान लिए, अब बारी ये जानने की कि आकाश 2 में आखिर कितना दम है. फ्रैंकली स्पीकिंग, तो वर्जन 1 के मुकाबले आकाश के वर्जन 2 में काफी सुधार हुआ है. टच स्क्रीन काफी बेहतर हो गई है. इसके साथ ही प्रोसेसर और रैम की बात करें तो उनकी पावर ऑलमोस्ट डबल हो गई है. इसके साथ ही आइसक्रीम सैंडविच के फ्लेवर के साथ अब इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस आकाश 2 का काफी बेहतर हो गया है. जिन स्टूडेंट्स को ये सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिल रहा है, उनके लिए ये काफी अच्छी डील है. बिल्ड क्वालिटी अच्छी है. कई इनबिल्ट एजुकेशनल एप्स दिए गए हैं, जो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी काम में आ सकते हैं. ओवरऑल 1100 रुपए में इससे बेहतर की उम्मीद करना थोड़ी ज्यादती होगी. पर ऐसा नहीं है कि आकाश 2 में सब कुछ अच्छा अच्छा ही है. इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन बेहद आउटडेटेड है, 4000 के बजट के हिसाब से भी. 480x800 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन बाबा आदम के जमाने का लगता है. इसके साथ ही इसके व्यूइंग एंगल्स तो माशाल्लाह. स्क्रीन जरा सी इधर हुई नहीं कि आपको बस रिफ्लेक्शन ही नजर आएगा. इसके अलावा आकाश 2 में सिर्फ फ्रंट फेसिंग कैमरा ही दिया हुआ है, जिसकी क्वालिटी बेहद खराब है. आकाश 2 स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है, राइट? पर इसकी बैटरी लाइफ इतनी कमजोर है कि आधा दिन तो छोड़िए, 3-4 लेक्चर्स के बाद ही आपको पावर पॉइंट ढूंढने की जरूरत पड़ जाएगी. इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ वाईफाई का ऑप्शन दिया गया है. चलिए मैं मान लेता हूं कि कॉलेज के अंदर वाईफाई जोन है, पर कॉलेज के बाद अगर इंटरनेट की जरूरत पड़ी फिर क्या? इसके अंदर एजुकेशनल एप्स थोड़े बहुत जरूर दिए गए हैं, पर किसी भी एजुकेशनल टैबलेट कंप्यूटर में सिलेबस से जुड़ी ई बुक्स, क्वेश्चन पेपर्स जैसी ढेर सारी चीजें इनबिल्ट आनी चाहिए या उन्हें मुहैया कराने का इंतजाम होना चाहिए. इन शॉर्ट, आकाश 2 एक अच्छी कोशिश है, इनफैक्ट कहूं तो एक नेक कोशिश है हर स्टूडेंट के हाथ में एक कंप्यूटर देने की. पर इसमें अभी भी थोड़ी बहुत कुछ कमियां हैं जिन्हें दूर करने की सख्त जरूरत है. Alright, ये बात हो गई आकाश 2 और डेटा विंड के यूबी स्लेट की. लेकिन इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टॉक टू द मैन जिनका विजन ही इतना मैसिव, इतना ग्रैंड है कि किसी एक डिवाइस को किक या पिक मिलने से इनके विजन को कोई खरोच नहीं पहुंचने वाली है. मिस्टर सुनीत सिंह टुली, CEO डेटा विंड के, लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं स्काइप लाइन पे. नमस्कार जी.
तो मिस्टर टुली, सबसे पहला सवाल हम लोगों का आपसे ये है कि जब आकाश आपने डेवलप किया आईटी बॉम्बे के साथ, तो क्या विजन था आप लोगों के दिमाग में? एक फोकस ये थी कि अफोर्डेबिलिटी आनी चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए जो आम आदमी, जो मोबाइल फोन को अफोर्ड कर सकता है, वो कंप्यूटरिंग और इंटरनेट एक्सेस को भी अफोर्ड कर सके. दिस वॉज द फर्स्ट प्राइमरी पर्पज. दूसरी ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो एजुकेशन का फोकस था, उसका वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. और उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये देखा कि जब आप रिमोट और रूरल एरियाज और वहां जाते हो और वो ये देखते हो कि भाई गुड क्वालिटी जो टीचर्स हैं वो वहां पर जाने को तैयार नहीं, अच्छे जो टीचर्स हैं वो बड़े शहरों के करीब ही रहना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू गो इनटू द विलेजेस जहां पर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सपोर्ट वगैरह ना हो. तो इन चीजों को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि वे जे लो कॉस्ट डिवाइस ऐसी बनाई जाए जिसके साथ कंप्यूटिंग और इंटरनेट एक्सेस उनको दिया जाए, वो रिसोर्सेज उनको दिए जाएं, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर काफी इंपैक्ट दिया जा सकता है. तुली जी, आपसे ये जानना चाहता हूं कि आकाश 2 का डिप्लॉयमेंट कितना सक्सेसफुल रह चुका है, क्योंकि आपको अभी 1,00,000 यूनिट देना है सरकार के एग्रीमेंट के तहत. ये ना गवर्नमेंट आपको मार्च एंड में अनाउंस करेगी, पहले 1,00,000 यूनिट मार्च के एंड तक पूरे हो जाएंगे और वो उसको आपको उसके बाद गवर्नमेंट आपको जनरल इंडस्ट्री में रिपोर्ट देगी कि उसके क्या रिजल्ट्स आए, क्या फीडबैक आई, क्या उन्होंने इस चीज से सीखा, और वो 1,00,000 यूनिट का प्रोजेक्ट मार्च के एंड तक पूरा हो जाएगा. यूके में आपने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए काफी काम किया है, तो इंडिया में आपके क्या इस तरीके के विचार हैं? सो हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी तो हमारे जो 7C प्लस यूबी स्लेट 7C प्लस के साथ एक 98 रुपीस का आपको अनलिमिटेड डेटा प्लान मिलता है. हम कोशिश कर रहे हैं कि बाय दिस समर हम एक ऑपरेटर के साथ एग्रीमेंट फाइनलाइज करके उसको फ्री इंटरनेट एक्सेस भी दिलवा सकें, सो दैट जब आप हमारे से 3-4 हज़ार रुपए की डिवाइस खरीदोगे उसके साथ बेसिक इंटरनेट एक्सेस फ्री आपको मिलेगा, आप सिम डालकर कहीं पर भी इंटरनेट यूज कर सकोगे. और हमारी एक्सपेक्टेशन है जैसे हमने यूके में ऐसा बिजनेस मॉडल लॉन्च किया, हम इंडिया में समर तक भी लॉन्च कर सकेंगे. थैंक यू मिस्टर टुली हमसे जुड़ने के लिए ऑल द वे फ्रॉम लंदन स्काइप चैट के जरिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. ऑलराइट, आकाश 2 को तो यहां पे मिला है पिक, यूबी स्लेट को मिला है किक, लेकिन यूबी स्लेट का जो कंपेटिटर है मार्केट में स्काईटैब, उसका रिव्यू अगले हफ्ते टेक ग्रुप पर. राइट नाउ टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, ब्रांड न्यू गर्मा गर्म चना चोर गर्म के जैसे एप्लीकेशंस कमिंग फॉर यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ, और इस हफ्ते हमने रिव्यू किया माइक्रोमैक्स कैनवस HD का. और आपने अगर उसे ऑनलाइन ऑर्डर किया था और अभी तक घर पर पहुंच गया है, तो फटाफट हम आपको कुछ ऐसे एप्स बता देते हैं जो आपको उस मोबाइल फोन के ऊपर जरूर डाउनलोड करने चाहिए. क्या आप हमेशा से अपने शूट किए गए वीडियोज में हॉलीवुड फिल्मों के जबरदस्त वीडियो इफेक्ट्स को डालकर फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहते थे? तो बस FX गुरु को अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लीजिए. FX गुरु की मदद से आप एक्शन या साइंस फिक्शन फिल्मों में इस्तेमाल होने वाले कई माइंड ब्लोइंग स्पेशल इफेक्ट्स को अपने वीडियो में इंसर्ट कर सकते हैं. इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको 3 तरह के स्पेशल इफेक्ट्स फ्री में आएंगे. इसमें स्पेसशिप और बॉम्ब ब्लास्ट जैसे इफेक्ट शामिल होंगे. बाकी इफेक्ट्स आप अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकते हैं. तो बस तैयार हो जाइए अपनी होममेड हॉलीवुड फिल्म शूट करने के लिए. FX गुरु को आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. दुनिया के सबसे एडिक्टिव गेम का वर्जन नेक्स्ट आ गया है. ये है टेंपल रन 2. पहले से ज्यादा मजेदार, पहले से ज्यादा कठिन और पहले से ज्यादा एडिक्टिव. टेंपल रन 2 के गेम प्ले में कोई खास बदलाव तो नहीं हुआ है, पर ढेर सारे नए एलिमेंट्स, नए पावर्स और इम्प्रूव्ड ग्राफिक्स से इस गेम को खेलने में डबल मजा आता है. गेम स्टार्ट होते ही आपके पीछे 3 डेमन मंकीज के बजाय एक बड़ा सा डेमन मंकी आपके पीछे भाग रहा होता है. टेंपल रन 2 में आपको दौड़ने और कूदने के साथ ही जिप लाइंस पर लहराना है, टूटी फूटी माइन ट्रैक्स पर माइन गार्ड चलानी है और आग, झरने और तीखे मोड़ों से भी बचना है. बॉटम लाइन ये है कि टेंपल रन 2 अपने पिछले वर्जन से ज्यादा एडिक्टिव है, और अगर आपने इसे एक बार खेल लिया तो बार बार जरूर खेलेंगे. और गुड न्यूज ये कि इसे आप iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में डाउनलोड करके खेल सकते हैं. Well,
आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, लेकिन अगले हफ्ते तो जनाब थोड़ा ब्रेक लेंगे, टाइम प्लीज बोलेंगे, बिकॉज जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने वाले हैं अगले हफ्ते, तो उसी की चर्चा होगी। लेकिन मैं जा रहा हूं भैया, कहाँ? बार्सिलोना मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2013 अटेंड करने के लिए, तो वहां से हॉटेस्ट लेटेस्ट जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट सारे लॉन्च होने वाले, वो सारा एक्शन आपके लिए लेके आऊंगा मार्च के पहले हफ्ते में। ओके, तो फिर फेसबुक पे मिलिएगा, यूट्यूब पे मिलिएगा, इंस्टाग्राम पर पिक्चर पोस्ट कीजिएगा, हमारी पिक्चर लाइक कीजिएगा, या फिर डाउट पे शाउट कीजिएगा, या फिर ट्विटर पर अंकित और मुझे फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, वी विल सी यू द वीक आफ्टर देन, तब तक स्टे कनेक्टेड।